जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद होगा अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नए सफर में और स्वागत करते हैं आपका हरियाणा के रेवाड़ी जंक्शन पे। तो दोस्तों आज हम ले चलेंगे आपको रेवाड़ी से और ढेर कबाली जी, खाटू श्याम जी के आज आपको दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों आज की अपनी जो जर्नी होने वाली है बहुत ही खास जर्नी होने वाली है, क्योंकि आज भिवानी और रेवाड़ी के लोगों की काफ़ी मांग पर इस ट्रेन को चलाया गया है, जिसका ट्रेन नंबर है 14705 और ये ट्रेन हफ्ते के सातों दिन चलती है भिवानी से और ढेर कबाला जी में। तो इस ट्रेन से आप खाटू जी श्याम जी के दर्शन कर सकते हैं और हरियाणा के लोगों के लिए एक काफ़ी डिमांड पे एक सौगात मिली है, जिसका उद्घाटन हुआ है 5 तारीख को। तो चलिए आइए जर्नी की शुरुआत करते हैं और ले चलेंगे आपको खाटू जी श्याम के दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों यही है अंडाल सेट का WDG4 लोकोमोटिव, जो अपने को आज ले जाएगा रेवाड़ी से और ढेर कबाला जी में। तो चलिए आइए जर्नी की शुरुआत करते हैं और ले चलते हैं आपको खाटू श्याम जी के पास। और ये दोस्तों लग चुकी है अपनी रेवाड़ी के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अपनी ट्रेन, जिसमें पूरे के पूरे जनरल कोच हैं। तो आज की जो अपनी जर्नी होने वाली है जनरल कोच में होने वाली है। तो दोस्तों अपने तय समय से 7:45 पर ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है रेवाड़ी जंक्शन से। मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज में। बाय बाय रेवाड़ी। ट्रेन अराइव होते हुए कुंड स्टेशन पे। और दोस्तों इसी के साथ अपनी ट्रेन आ चुकी है अपने पहले स्टॉपेज कुंड पे, और यहाँ पे ट्रेन का 2 मिनट का भी हॉल्ट नहीं है। और देख सकते हैं आप लोग ट्रेन का हॉकिंग हो चुका है और ट्रेन अपनी निकल चुकी है अपने नेक्स्ट स्टॉपेज के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। और कुंड से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। नॉल पे काफी ज्यादा भीड़ है। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी ट्रेन आ चुकी है नारनौल स्टेशन पे, और यहाँ पे अपने ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। बाकी यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि काफी संख्या लोग में लोगों ने यहाँ पे बोर्ड किया इस ट्रेन को।
और सभी लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं, और जो भी यहाँ के लोग होंगे कमेंट करके बताइएगा कि ये ट्रेन खुली आपको कैसा लगा खाटू श्याम जी के लिए। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। उसके पहले आपको दिखा देते हैं डिपार्चर इसका। दोस्तों अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है नारनौल स्टेशन से। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। एक दो स्टेशन है उसको स्किप करते हैं, सीधे मिलते हैं नीम के थाना पे। नारनौल छोटा सा काफ़ी प्यारा स्टेशन है नारनौल। बाय बाय हो नारनौल। तो दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है नीम का थाना रेलवे स्टेशन पे। यहाँ कितनी दिन स्टॉप है? चार को। ठीक है हम लोगों ने। अरे बाप रे इतना भीड़ है। जबरदस्त भीड़ है भाई। यहाँ पे अपनी ट्रेन पैक हो जाएगी। आया कि नहीं आया कहीं से? तो दोस्तों अभी अपनी ट्रेन आ चुकी है नीम का थाना रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे अपने ट्रेन का 2 मिनट का हाल्ट है। और अभी हाल ही में इस ट्रेन का उद्घाटन किया था श्री यहाँ के सांसद सीकर के सांसद श्री सुमेधानंद सरस्वती जी ने। तो हरियाणा और राजस्थान के लोगों के लिए खाटू श्याम जी जाने के लिए एक खास सौगात मिली है यहाँ के सांसद के द्वारा। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये ट्रेन कैसी लगी। तो चलिए ट्रेन का हॉकिंग हो गया है और ट्रेन डिपार्ट करने वाली है। इसका डिपार्चर दिखाते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। नीम का थाना रेलवे स्टेशन। नीम का थाना रेलवे स्टेशन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, और यहाँ पे काफी संख्या में लोगों ने बोर्ड किया ट्रेन को। रिंगस जंक्शन। ट्रेन अराइव होते हुए रिंगस जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे।
तो स्वागत है दोस्तों बाबा खाटू श्याम जी की पवित्र भूमि रिंगस जंक्शन पे। और इसी के साथ अपनी ट्रेन आ चुकी है रिंगस जंक्शन पे। और बात करें रिंगस जंक्शन क्यों, तो एक लाइन यहाँ से अजमेर की तरफ जाती है और एक लाइन जयपुर की तरफ जाती है, इसीलिए जंक्शन पॉइंट पे है। जय। तो अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा खाटू श्याम जी के लिए भक्तों का रेला निकल चुका है, सारे भक्तगण निकल चुके हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। दोस्तों ये अभी अपने सारा का सारा भीड़ देखा, उस सारे के सारे लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्टेशन के बाहर। और अगर आप लोगों को भी श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करना हो तो आप लोग रिंगस स्टेशन पे उतर सकते हैं और खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से खाटू श्याम जी का मंदिर पास में ही है। तो चलते हैं, हम आपको मंदिर के कुछ सीन दिखाएंगे। बाकी यहाँ से अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ से खाटू श्याम जी का मंदिर का किराया मात्र 40 रुपये है, तो 40 रुपये में आप मंदिर जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आइए ले चलते हैं आपको मंदिर पे। और इसी के साथ ही आपको जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाबा खाटू श्याम के मंदिर के गेट पे, और यही है मंदिर का गेट, इसी से आपको अंदर दर्शन कराएंगे। और जहाँ तक संभव हो सकेगा हम आपको कैमरे पे दिखाएंगे, उसके बाद जहाँ तक नहीं संभव होगा उसके अंदर शायद अलाउ नहीं है तो अंदर नहीं दिखा पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर।